नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज का बांग्लादेश अराजकता और हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण को लेकर देखिए, छात्रों का आंदोलन इस कदर उग्र हुआ कि एक झटके में तबाही मच गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से सत्ता पर सेना का कब्जा है, लेकिन हिंसा थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। जी हाँ, सड़कों पर कट्टरपंथी ताकतों का कत्लेआम मचाना अब तक बंद नहीं हुआ है। जगह जगह आगजनी की घटनाएं दुनिया के सामने है, और ऊपर से मुल्क के 1,35,00,000 बंगाली हिंदुओं की जान सबसे ज्यादा खतरे में है। खुद की जान बचाने के लिए शेख हसीना भारत क्या आई? बंगाली हिंदू कट्टरपंथी ताकतों के निशाने पर आ गए। आलम यह है कि बर्बाद हो रहे बांग्लादेश में बंगाली हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। हिंदुओं के परिवारों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। हिंदुओं की दुकानें, घरों में लूटपाट मचाई जा रही है, और इस्कॉन मंदिरों में तो देखिए तोड़फोड़ मचाई जा रही है। सड़कों पर दंगाइयों का तांडव जारी है। कई जगह हिंदू नेताओं को मौत की नींद भी सुला दिया गया है। खुद के मुल्क में डरे और सहमे हुए बंगाली हिंदू खौफ में सांस ले रहे हैं इस वक्त, और घर की दहलीज पार करेंगे तो मारे जाएंगे, और अगर घर में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे। आगे कुआं और पीछे खाई वाली परिस्थिति में फंसे हुए हैं, और इन हिंदू विरोधी दंगों को रोकने के लिए, बंगाली हिंदू की रक्षा के लिए नेताओं से लेकर देश का जो संत समाज है, वो आज मोदी सरकार से अपील कर रहा है। इनके बचाव के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की गुहार भी लगा रहा है। हालत ऐसी है कि बांग्लादेश में हिंसा के बीच हजारों लोग जान बचाने के लिए घर छोड़कर भारत आ रहे हैं। इनमें से कई ऐसे भारतीय भी हैं जो काम के सिलसिले में बांग्लादेश गए और वहां मौत के मुंह में फंस गए। अब हिंदुओं पर हो रहे इन्हीं हमलों से तमतमाए योगी बाबा ने बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, या फिर यूं कहें कि मंदिर तोड़े जाने पर हिंदुओं की हत्या का बदला लेने की योगी बाबा ने एक बड़ी प्लानिंग कर दी है। इन घटनाओं पर अंकुश लगाने का तरीका क्या है, योगी बाबा ने ये बताने की कोशिश की है। बांग्लादेश में हुए इसी तख्ता पलट पर योगी बाबा का क्या कहना है, सुनिए उन्हीं की जुबान। उन पूज्य संतों की आत्मा को सीम शांति प्राप्त हुई होगी, उन्हें भी अपनी वर्तमान पीढ़ी पर विश्वास हुआ होगा कि हमारी वर्तमान पीढ़ी सही दिशा में कार्य कर रही है। उनका आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ, और आज जब परमहंस जी की मूर्ति की स्थापना के कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मैं देख रहा था, जब तक मैं समाधि स्थली पे जब गया बारिश शुरू हुई, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई। फिर जब मैंने वहां से प्रस्थान किया दिगंबर अखाड़ा के लिए, फिर यही स्थिति हमें देखने को मिली। यानी हम मान सकते हैं कि यज्ञ की पूर्णाहुति में पूज्य संत के का योगदान और उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है।